जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है और सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, तब से योगी और बुलडोजर दोनों फेमस हो रहे हैं। दिनों दिन बुलडोजर का क्रेज बढ़ते जा रहा है। इस बीच हमीरपुर जिले में हुई एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस विवाह में दूल्हे योगी को दहेज में बुलडोजर दिया गया। अब बुलडोजर के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल शादी में उपहार स्वरूप बुलडोजर दिए जाने का पहला मामला सामने आया है। लोग दहेज के इस बुलडोजर की जमकर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल हमीरपुर जिले के देवगांव निवासी परशुराम प्रजापति आर्मी में हैं। इन्होंने अपनी बेटी नेहा प्रजापति की शादी इसी थाना क्षेत्र के सौखर गांव में स्वामी दीन चक्रवर्ती के बेटे योगेंद्र के साथ तय की थी। योगेंद्र भी भारतीय नौसेना में नौकरी करता है। पिछले दिनों दोनों की शादी सुमेरपुर कस्बे के एक गेस्ट हाउस में धूमधाम से की गई। बारातियों का भव्य स्वागत किया गया। शादी की अलग रस्में संपन्न कराने के बाद शुक्रवार को दुल्हन के पिता ने दूल्हे को ऐसा उपहार दिया जिसे देख बाराती भी दंग रह गए। दूल्हे को बुलडोजर मिलने पर बारातियों ने योगी बाबा जिंदाबाद के नारे लगाए। पहली बार शादी में उपहार में बुलडोजर मिलने पर जहां बाराती और आम लोग दंग रह गए, वहीं दूल्हे के परिजनों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। वहीं दुल्हन के पिता का कहना है कि बेटी अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, अगर नौकरी नहीं लगी तो इससे रोजगार मिलेगा। वहीं योगी को मिले बुलडोजर की चर्चा लोगों की जुबान पर है।